कृष्णा, तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हम करने वाले हैं रीडिंग अर्ली मॉर्निंग एनर्जीज की, ठीक है। ये होने वाली है सभी राशियों के लिए, तो चाहे आपको अपनी राशि पता हो, उनकी राशि पता हो, नहीं हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। बाकी यहाँ पे हमने लिए हैं चार ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे है टैरो, ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल, ये है अटलांटिक ओरेकल और ये है एंजेलिक ओरेकल, ओके। अगर लगा तो हम एक और ओरेकल ले लेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग शुरू करते हैं टैरो से और देखते हैं कि हमें यहाँ पे कार्ड्स क्या मिलते हैं, ठीक है। तो 78 कार्ड्स हैं, ठीक है। उसमें से कौन सा कार्ड आएगा स्पेसिफिक राशि से कनेक्टेड या फिर अलग, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कि उससे पहला कार्ड हमें क्या मिलता है, और ये आ गया है 9 of Swords, ठीक है। 9 of Swords हमें क्यों मिला है तो जानते हैं इसके बारे में। देखो, ये है मिथुन तुला कुंभ राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का स्पेसिफिक कार्ड। ये एक्चुअली होता है एयर साइन, एंड जैसा कि हम 9 of Swords में देख सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं दब सी गई है, ठीक है। अगर हम कहते हैं ना कि खुद परेशान हो जाना, या फिर मान लो कि कोई बुरा सपना आ गया है, एकदम से आँख खुलना, या फिर बार बार लगना कि क्या भाई मेरे साथ सही हो रहा है, या फिर क्या बनती बात बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पे ये पर्सन ना हमें थोड़ा सा शंकाओं से घिरता हुआ दिख रहा है। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इसका साथ दें। एंड सेकेंडली, ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जजमेंटल होता हुआ हमें दिख रहा है, मतलब कि उसको शायद लग रहा है कि आप जो है वो इसको समझ नहीं पाओगे, या फिर आप इसके ऊपर सवाल उठाओगे। एंड मे बी अगर ये अपनी सफाई दे भी रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत समझ लिया, तो क्या आप इनका कहना मानोगे या फिर आप बस इनके ऊपर आरोप लगाओगे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो किसी चीज़ से हमें नाराज प्रतीत होता है, और सेकेंड उसे लग रहा है कि शायद आप इसका साथ नहीं दोगे। तो सबसे जरूरी ये बात यहाँ पे आती है कि इस व्यक्ति को सपोर्ट करना, जब भी ये व्यक्ति आपके सामने आए और कहे कि भाई उसको क्या लग रहा है। सेकेंडली, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप का सपोर्ट हासिल करना, ठीक है। देखो, अगर ये व्यक्ति प्रामाणिक है, या फिर आप कह रहे हो कि किसी चीज़ से अगर गुजर रहा है, कई बार ना हम उस चीज़ को हर किसी के साथ बांटते नहीं हैं, वजह अलग अलग होती हैं, बट ऐसे में क्या आप इस पर्सन को जैसा ये पर्सन दिखावा कर रहा है, जैसा कि चीज़ें उसके सामने आ रही है, क्या आप उसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर हम करते हैं उसको क्लैरिफाई यूजिंग दिस टैरो, ठीक है, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। तो करते हैं सबसे पहले इस टैरो से क्लेरिफिकेशन। देखो, ये आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर हम इस कार्ड को देखें ना, तो यहाँ पे इस पर्सन की कोशिश ये है कि आपके सामने वो बातें रखना या वो सच रखना जो शायद आपको अभी तक किसी ने भी कहा नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपसे कुछ दिखावा कर रहा है, फिर आपसे दूर हट रहा है, फिर आपको वो नहीं बता रहा है जिसके आप काबिल हो, तो यहाँ पे इनकी कोशिश ये है कि अगर वो सच में आपको अपना जीवन साथी मानते हैं, एंड एक भरोसा जो कहते हैं हम कि अगर उन्होंने बिल्डअप किया है, तो वो हर हाल में चाहेंगे कि आप जो है वो सच का सामना करें, चाहे सच जो है वो कड़वा ही क्यों ना। किंग ऑफ पेंटाकल से तो यहाँ पे ये पर्सन, हाँ, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि आपको मान लो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कि आपको कोई सच छुपाने में कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। पर्सन कोशिश कर रहा है आपके सामने वो सच लाने का जिसको जानने की आप हकदार हो, ठीक है। सेकेंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कई बार रिस्पॉन्ड करती है, कई बार कम रिस्पॉन्ड करती है। देखो, यहाँ पे है द स्टार। अगर हम द स्टार की एनर्जी देखें ना, कि एक्वेरियस कुंभ राशि, तो इस व्यक्ति ने ना आशाएं नहीं छोड़ी हैं। इस व्यक्ति को अभी भी लग रहा है कि भाई अगर कोई बात है, मान लो किसी के बाद डिवोर्स तक गई है, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो कम बैक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। देखो, गलतियां हर किसी से होती हैं, और अगर इस पर्सन ने पहले कुछ गलतियां की थी, शायद अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं किया था, जो भी था, अब इस पर्सन को अगर लग रहा है कि शायद वो समय आ चुका है जहां पे वो आपके साथ दोबारा से एक नया रिश्ता जो है वो डेवलप कर सकता है, तो बात यहां पे आती है क्या आप इस व्यक्ति को एक नया मौका देना पसंद करोगे या फिर नहीं, है ना। तो मौका ये आपके साथ बांटना चाहते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे इनकी जो अपेक्षाएँ हैं वो हमें दिखती है कि मान लो अगर चाहे जो भी हो जाए, अगर एक्सट्रीम तक भी जाना पड़े ना, तो भी ये पर्सन कम बैक के चांसेस दिख रहा है। या तो भाई आप कम बैक करो, या फिर इस पर्सन को कम बैक करने के लिए आप आने दो उसको, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आ रही है। हालांकि अगर इसको हम करते हैं क्लेरिफाई, ओके, कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं डायरेक्टली, और ये दो कार्ड्स हैं जो कि हैं टेम्परेंस एंड द हाई प्रिंसेस, ठीक है।
देखो हम इन दोनों कार्ड से बहुत कुछ समझ सकते हैं। टेम्परेंस यानी कि भाई सेगिटेरियस धनुराशि और यहाँ पे ही हाई बिजनेस। देखो जो बात यहाँ पे आ रही है ना कि ये व्यक्ति की जो कोशिश है वो ये है कि आपका और इनका दिल मिलना चाहिए। अगर आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, चाहे कितने सालों से हो या फिर महीनों से हो, तो इनकी कोशिश है कि भी आप उस पल को ना भूले जिस जिस पल आपने बहुत अच्छा समय गुजारा था। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कोई कुछ नेगेटिविटी आ चुकी है, ये उस नेगेटिविटी को आपके दिल से दूर करना चाहते हैं। जो भी आपके हृदय में है, नेगेटिविटी है, गलत चीज़ें हैं या फिर क्वेश्चंस है, सवाल है, डाउट्स है, वो सब वो क्लियर करना चाहते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो ये क्या अपना रहे हैं, ये है द हाई प्रिस्टेस। ये जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही सीधी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो है अपना बचाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं। मतलब कुछ भी छुपा नहीं रहे हैं। आपको सवाल पूछना है आप पूछिए, चाहे वो जो भी सवाल हो। ठीक है, इनके पास से हो, किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन से हो, या फिर आपको किसी डाउट का क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप डायरेक्टली उनसे ये सवाल पूछ सकते हो। और जैसे कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं वो बहुत शांति से और अदब से आपको जवाब देना पसंद कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिला है, जो देखो यहाँ पहली एम्प्रेस। ठीक है, देखो ये ना अपने आप को एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि आप चार्मिंग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सेकंड जैसे कि हम एम्प्रेस को देखते हैं कि इट इज़ अबाउट द अर्थ, तो ये कह रहे हैं कि भाई हम दोनों मिलकर ना एक नया संसार क्रिएट कर सकते हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया मौका हमें मिल सकता है। ठीक है, आपके लिए अगर इसको अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ रहा है तो भी ये बढ़ा सकता है। हम कह सकते हैं कि शायद कुछ वशीकरण जैसा ये पर्सन कर सकता है ताकि दोबारा से आपका ध्यान खींच सके, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करे ताकि बहुत ही ज़्यादा उनको रिजल्ट्स देखने को मिले। ये भी चीज़ें ये पर्सन कर सकता है। अगर हम करते हैं इस चीज़ को तारीफ आए कि क्या ऐसा हो रहा है या फिर क्या आ रहा है यहाँ पे जवाब, तो देखो दो कार्ड्स आ गए यहाँ पे हमारे सामने। ठीक है, एक तो है द हैंग्ड मैन और एक तो है द डेविल। ठीक है, देखो द डेविल एंड हैंगमैन का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि शायद ये पर्सन के ऊपर या तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर ये पर्सन ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। सेकेंडली अगर डेविल का डायरेक्टली हम जवाब ले या फिर क्या उसका मतलब होता है, तो वो होता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। आप यूँ भी कह सकते हैं कि शायद आपसे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्शन उनमें है। मतलब जितना आप इनको चाहते हो शायद उसे 10 गुना ये आपको चाहते हैं, लेकिन शायद आप दोनों की चाहत में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लाइक आपको इनका स्वभाव पहले अच्छा लगता था, फिर अभी भी अच्छा लगता है, और इस व्यक्ति को शायद आप फिजिकली बहुत ज़्यादा पसंद हो। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे कि तो कैसे भी करके आपका ध्यान अट्रैक्ट करना और आपको हासिल करना, ये उनको शायद अच्छा लगता है या फिर वो उनको मंजूर है। वही अगर हम देखें तो भाई क्या वो डायरेक्टली आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं लाइक मैनिफेस्टेशन, जो कि एक साइड से होता है, वशीकरण जो साइड से होता है। लेकिन अगर आप सीधे मुंह अगर कह रहे हैं कि क्या ये डायरेक्टली आएगा बात करने के लिए, तो शायद हमें जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड ना मिले। तो ये पर्सन रुक रुक के आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप दोनों जो है वो एक समय डिसाइड करके मिल सकते हो या फिर फ़ोन पे बातें कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को कहीं ना कहीं कोई डर लग रहा है कि शायद ये जो है वो कोई गड़बड़ ना कर बैठे। वही अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कार्ड आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आता है तो किस्मत कनेक्शन बनती है, और किस्मत हमें क्या दिखाती है ये कई बार हम नहीं जानते। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड ना हो, या फिर एकदम से किस्मत बदल जाए तो चीज़ें सही हो जाती हैं, या फिर कई बार चीज़ें जो है वो बदल भी जाती हैं। वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर इसको करते हैं हम क्लैरिफाई तो क्या कार्ड हमें मिलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कार्ड हमें मिल रहा है यहाँ पे फॉर द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इतना जल्दी जवाब नहीं आ रहा है, तो ये कार्ड दे चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन ये कार्ड कनेक्टेड है यूनिवर्स से, किस्मत से। देखो यहाँ पे इस पर्सन को ना खुद एक चुनाव करने का मौका मिला है। या तो किस्मत जो अभी ये हालात है उसको सामना करने को कह रही है, मतलब अभी आपके सामने जो भी परिस्थिति हो कि आपके बीच बातें होती है नहीं होती है, कुछ इश्यूज है या फिर सब कुछ बढ़िया है, इसको वैसे के वैसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। या तो ये पर्सन खुद बदलाव करने के मूड में आ सकता है कि नहीं भाई मुझे तो बदलाव चाहिए और मुझे वो बदलाव खुद करने होंगे। इसलिए मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो है वो रैंडमली कर रहे हैं या फिर साइड में कर रहे हैं, लाइक मैनिफेस्टेशन करना या फिर यू नो जिसे हम कहते हैं कि वशीकरण टाइप कुछ करना, फिर आपका ध्यान खींचने के लिए कुछ पोस्ट डालना वगैरह, तो ये बस
शायद कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड ना हो, वो बातें यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। अब अगर हम करते हैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई, तो क्या कार्ड्स मिलते हैं देखते हैं। देखो यहाँ पे हम पहले लेते हैं ट्विन फ्लेम ओरेकल और जानने की कोशिश करते हैं कि ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या कार्ड स्पेसिफिकली मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड है वो है ट्रस्ट, ठीक है। देखो इस पर्सन के लिए पहली जो बात है वो है कि क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, दैट इज द मेन रीजन, ठीक है। डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन, क्या आप इसका भरोसा करते हो कि जो भी एक्शन लेते हैं क्या आप उसके लिए रेडी हो, राजी हो, आप इनके साथ जैसे वो कहते हैं वैसे आगे बढ़ने के लिए रेडी हो या फिर ना हो, वो भी बात यहाँ पे आती। तो मे बी वो चाहते हैं कि आप इनको समझे एंड इनका विश्वास करें। हो सकता है कि शायद कुछ लोगों ने आपकी जो सोच है वो बदल दी है, और इसमें आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं या फिर कलीग्स भी, कि क्या तुम इजीली उसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, दूसरा मौका देना क्या सही रहेगा, क्या सच में ये पर्सन लायक है दोबारा विश्वास करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का शायद आपने अध्ययन किया हो, और उसके ऊपर जब आपको यकीन करना हो इसके ऊपर, ट्रस्ट करना, तो क्या आप ट्रस्ट इजीली कर सकते हो या नहीं, वो बातें हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है। देखो कुछ कार्ड्स, तीन कार्ड्स तो आ गए भी यहाँ पे। देखो पहला जो है वो एंजॉय द मोमेंट। अभी इस समय अगर आपके बीच बहुत कुछ बढ़िया हो रहा है देन एक्सेप्ट इट, और अगर आप अभी सिंगल हो या फिर इस पर्सन के साथ है तो उस मोमेंट को ना वैसे एंजॉय करो। यानी कि भाई सिर्फ ये आपकी ज़िंदगी में है या फिर नहीं है या फिर कुछ अलग हो रहा है, इसलिए दोष देना सही नहीं है। जैसा आपको मोमेंट मिल रहा है वैसा ही करो, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। ये पर्सन भी कह रहा है कि भाई मैं अभी इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हालांकि ये चाहते हैं आपके साथ जल्द से जल्द आना, लेकिन जैसे हमने देखा कि द हैंगमैन आ गया था, तो जल्द से जल्द आगे बढ़ना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। सेकंड जो है वो टेक अ स्टेप बैक। अगर ये पर्सन जल्दबाजी कर रहा था ना, तो उसको समझ में आया कि भाई जल्दबाजी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो एक स्टेप पीछे जा रहा है। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर ये पर्सन अपना समय ले रहा है, एक स्टेप पीछे जा रहा है, तो आपके लिए क्या होगा सही, कि आप भी रुके या फिर इनके तरह डायरेक्टली आगे बढ़े एंड बाद में अलग सोच बनाएं। नेक्स्ट जो है वो है गिव स्पेस। मतलब देखो ये पर्सन ना आपको स्पेस दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भी आपके डाउट्स है, सवाल है, खुद क्यों क्लियर नहीं कर रहा है, क्यों हैंगमैन की पोजिशन में है, तो सिंपल सी बात है, ये आपको अपना समय दे रहा है कि आप अपना समय लीजिए, आपको जो भी डिसाइड करना है ना आप कर सकते हो। आपको अगर लग रहा है कि नहीं मुझे और समय चाहिए, मैं इतना जल्दी या इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं बना सकता, तो कोई बात नहीं। आप अगर किसी से बातचीत भी करना चाहते हो ना, तो उसके लिए भी पर्सन बिल्कुल हमें रेडी दिखता है, ठीक है। ये हो गया रिगार्डिंग द ट्विन फ्लेम कनेक्शन। अगर हम देखते हैं अटलांटिक ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो देखो ये है अटलांटिक ओरेकल एंड लेट्स लुक एट दैट। चलो पहला कार्ड क्या आ रहा है फ्रॉम द अटलांटिक ओरेकल, बोल रहे थे बिल्कुल, पहला कार्ड आ गया है द फन। ये पर्सन ना फन के ऊपर बिलीव करता है। मतलब कि भाई देखो ये बस किसी चीज़ में, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गुमराह होना या फिर बहुत सीरियस होना, ऐसी एनर्जी में आपको नहीं दिखेगा। बिकॉज यहाँ पे हमें डेविल का कार्ड भी आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये पर्सन की जो कोशिश है वो ये है कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। हाँ आप अगर हो मोमेंट 10 गुना ज़्यादा एंजॉयबल बनेगा। लाइटन अप एंड लाफ टुडे। तो इनका जो आज का मोटिव है, मकसद है, वो ये है कि भी बस हंसते रहो, खुश रहो और ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है द ग्रेट क्रिस्टल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो द ग्रेट क्रिस्टल, यहाँ पे पर्सन को कुछ बड़ा हासिल करना है। क्या है वो? यूज़ योर पावर फॉर द हाइस्ट। जो हमने देखा कि डेविल की एनर्जी हमें मिल रही थी, तो डेविल की एनर्जी जब भी आती है बहुत कुछ अपने साथ लेके आती है, तो इस एनर्जी को आप कैसे यूज़ करोगे? तो यहाँ पे है फॉर द हाइस्ट गुड। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये वशीकरण जैसा कुछ कर भी रहे हैं या फिर अगर ये किसी की हेल्प ले रहे हैं, तो क्या यहाँ पे वो गलत कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे वो अपने और आपके अच्छे के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप डायरेक्टली इनसे बातचीत करके वो डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड एक कार्ड देखते हैं जो कि है ब्लैक मेज। ओके ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो ये है वॉच योर ईगो एज यू प्रिपेयर फॉर चेंज। अगर हमने इस रीडिंग को देखा ना शुरुआत के दौर से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पर्सन अपनी ईगो, यानी कि जो उसका
अभिमान है या फिर जो उसका अहंकार है उसको साइड में रख रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, आपको मुझसे बात जब करनी है तब बात करो। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ, या फिर होता ना कि आधा घंटे से वो व्यक्ति वेट कर रहा है, एक घंटे से वेट कर रहा है कि आपको फ़ोन आएगा या फिर आप मिलने आओगे, और आप नहीं मिलने जाते तो क्या होता है। ऐसे में व्यक्ति का ईगो कई बार सामने आता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन अपना ईगो तुड़वाने के लिए भी रेडी है। मतलब आप कहीं ना कहीं इस पर्सन का विश्वास तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फोर्थ कार्ड फ्रॉम दिस ओरेकल, जो कि है वाटर। एज यू कैन सी यहाँ पे वाटर आ गया है, यूज वाटर फॉर डीप इनर एंड आउटर क्लींजिंग। यहाँ पे ना पर्सन की कोशिश ये है कि अगर इनके किसी स्वभाव के कारण या फिर किसी स्वभाव दोष के कारण अगर आपको तकलीफ हो रही थी, लाइक अगर आपके ऊपर कोई चीज़ थोप रहे थे या फिर झूठ बोल रहे थे या फिर आपको उकसा रहे थे, तो यहाँ पे वो चीज़ें वो क्लियर कर रहे हैं कि अगर मेरी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है तो मुझे ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये अपने आप में वो चेंजेस कर रहे हैं। और आपको भी अगर ये लगता है कि ऐसा ये कुछ कर सकते हैं या फिर लिटरली दिखता है कि हाँ इस व्यक्ति ने अपने आप में चेंजेस करना शुरू किया है, तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं और फिर आप उस बातचीत आप इस बात के ऊपर और ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे एंजल्स का कहते हैं, तो यहाँ पे एंजल ऑफ गुडविल, आई एम सिंसियरली हैप्पी फॉर द ब्लेसिंग्स इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। देखो यहाँ पे पर्सन ना आपको आशीर्वाद दे रहा है एंड खुद भी आशीर्वाद ले रहा है, तो यहाँ पे आपके बारे में कोई भी नेगेटिव नकारात्मक संकल्प नहीं कर रहा है। अगर आप इनके साथ हो, अगर आप इनके एक्स भी बनना चाहते हो, जो भी हो, कह के भी आप खुश रहो। अगर आपके चेहरे पे खुशी है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे मन में आपके लिए कोई भी नकारात्मक सोच बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छी बात हमें यहाँ पे दिखती है। सेकंड अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है एंजल ऑफ इमोशनल बैलेंस। अगर आपको लग रहा था कि ये पर्सन क्या इमोशनली स्टेबल हो जाएगा, अगर मान लो आप इसका साथ नहीं दे रहे हो या फिर किसी बात से आप बिजी हो या फिर फिलहाल आप इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, तो देखो ये अपने आप को ना स्टेबल कर रहे हैं, अपनी इमोशंस बैलेंस कर रहे हैं। कह रहे कि ठीक है भाई, अपना समय लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हाँ, थोड़ा इनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये अब समझ चुके हैं कि अगर मैं नकारात्मक सोच रखूंगा तो दोनों को तकलीफ होगी, इससे बेटर है कि मैं अकेला तकलीफ सहूं। ठीक है, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़ा समय ले रहा है तो वो इसलिए हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है देखो यहाँ पे एंजल ऑफ इनर पीस एंड ग्राउंडिंग। अगर आपको लग रहा है कि खुद को बैलेंस कैसे कर रहे हैं, बिगड़ेल क्यों नहीं बन रहे, तो बात सिंपल सी है, इस बात को जान चुके हैं कि अगर मैं शांतिपूर्ण रहूंगा, अगर मैं काम रहूंगा, पीसफुल रहूंगा, तो ही मेरी जिंदगी में ऑल इज वेल होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर इनके स्वभाव में कोई दोष या फिर किसी बात के कारण अगर आप गुस्सा हो गए थे ना, तो इस बात से वो मुकर नहीं रहे हैं, बल्कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, मेरी गलती का एहसास हुआ, अब मैं शांति से आगे बढ़ूंगा। शायद आप इस व्यक्ति को किसी आश्रम में जाते हुए मेडिटेशन करते हुए देख सकते हो, साथ में आप इनमें कुछ बदलाव तो डेफिनेटली एक्सेप्ट कर ही सकते हो। सो इथा अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।